हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साहिबजादा अजीत सिंह कप के फाइनल मैच के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट है, इसमें दिल्ली ही नहीं आसपास के जो एरिया है उसके बड़े खिलाड़ी शामिल होते हैं, बड़ी टीमें शामिल होती हैं। और फाइनल मैच था आरआर स्पोर्ट्स और विद्या जैन एकेडमी के बीच में, जिसमें आरआर स्पोर्ट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 28.2 ओवर में 148 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई, जिसमें जितेश सरोहा ने 46 रन की पारी खेली, विजय भारद्वाज ने 45 रन बनाए, प्रशांत भाटी ने 20 रन की पारी खेली और दिल्ली के रणजी ट्रॉफी प्लेयर शिवम शर्मा ने एक बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 3 विकेट ली 31 रन देकर, विकास मिश्रा को भी 3 विकेट मिली 34 रन देकर, और वगीश शर्मा जो कि फास्ट बॉलर हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्होंने 2 विकेट ली 18 रन देकर। इस टारगेट को विद्या जैन एकेडमी ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया। उन्होंने 149 रन बनाए 14.6 ओवर में, जिसमें परवेश दहिया ने 79 रन की एक नॉट आउट इनिंग खेली 44 बॉलों में, और पारस डोगरा जो कि एक जाने माने खिलाड़ी हैं, रणजी ट्रॉफी के प्लेयर हैं, उन्होंने भी 66 रन बनाया और वो नॉट आउट रहे। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अतुल वासन ने शिरकत की। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे शिवम शर्मा। इस टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन रहे राहुल त्यागी, बेस्ट बॉलर रहे वगीश शर्मा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला अक्षय सैनी को। इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।